तो दोस्तों, ये फिल्म एक ऐसी कल्ट के बारे में है जिसमें सिर्फ लड़कियां और औरतें ही थे। ये लोग गांव और शहर से दूर जंगल में और पहाड़ियों में रहा करते थे। इस कल्ट में सिर्फ एक ही आदमी था जिसका नाम था शेफर्ड, और वही उनका लीडर था। सभी औरतें उसके ही दिखाए गए मार्ग पर चला करते थे। उसने ग्रुप में मौजूद सभी औरतों को दो टीम्स में डिवाइड कर रखा था। एक टीम थी उसकी वाइफ्स की, जो कि रेड कलर के कपड़े पहना करती थी, और दूसरी उसकी डॉटर्स की, जो कि ब्लू कलर के कपड़े पहना करती थी। शेफर्ड की सभी वाइफ्स उसका कहा बिना सोचे माना करती थी। दरअसल शेफर्ड ने उन सभी औरतों को उनकी दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालकर अपने साथ रहने का मौका दिया था। इसी वजह से वो सभी औरतें उसे अपना भगवान मानने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच हम शेफर्ड की बेटी सेला को देखते हैं, जो कि हर वक्त अपनी माँ के बारे में सोचती रहती थी। दरअसल उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। शेफर्ड को भी अपनी सारी बेटियों में से सेला ही सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह काफी खूबसूरत थी। इसी तरह शेफर्ड ने अपने ग्रुप में मौजूद सभी औरतों के लिए कुछ रूल्स भी बनाकर रखे थे, जैसे कि अगर कोई बीमार होता तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह जंगल में ही उसका इलाज किया जाता था। साथ ही साथ औरतों के पीरियड्स के वक्त उन्हें ग्रुप से अलग करके एक दूसरे जगह पर अकेला रहना पड़ता था, क्योंकि शेफर्ड के हिसाब से उस वक्त औरतें इम्पियर हो जाया करती थी। शेफर्ड के इन्हीं कुछ रूल्स के वजह से उस ग्रुप का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इन सब के अलावा इस कल्ट में दो और औरतें भी थी जिनको शेफर्ड ग्रुप से अलग रखा था, क्योंकि उनमें से एक बीमार थी और शेफर्ड के हिसाब से वो औरत कर्स्ड है, और दूसरी औरत का नाम सारा था। उसको कोई बीमारी नहीं थी, बट उसने शेफर्ड के कुछ रूल्स को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए शेफर्ड उन दोनों को ग्रुप से काइंड ऑफ अलग कर दिया था। और कल्ट के सारी लड़कियां और औरतें भी उनसे नफरत किया करती थी, क्योंकि उन्होंने शेफर्ड की बात मानने से इनकार कर दिया था। बट क्योंकि दोनों इसी कल्ट की ही औरतें थी, इसलिए उन्हें शेफर्ड रेगुलरली खाना भिजवाया करता था। अगले दिन जब सेला भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए जाती है, तब उसे पहली बार पीरियड्स हो जाता है। अपने हाथों पर खून देखकर वो जोर जोर से चीखने लगती है और फ्रस्ट्रेशन में आकर एक भेड़ को मार डालती है। शाम को घर लौटने पर वो अपने पीरियड्स के बारे में किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो किसी को भी अपने पीरियड्स के बारे में बताई तो वो सीधे जाकर शेफर्ड को ये बात बता देगी और रूल्स के मुताबिक शेफर्ड उसे अपने ग्रुप से अलग कर देगा। भेड़ के बारे में वो भी झूठ बोलती है कि उसे एक कुत्ते ने मार डाला है, पर शेफर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता है। दरअसल शेफर्ड को भी अभी तक सेला के पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो सेला पर बहुत ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने सेला से कुछ नहीं कहा। रात में कुछ पुलिस ऑफिसर शेफर्ड के पास आते हैं और उसे वहां से अपने ग्रुप के साथ चले जाने के लिए कहते हैं। दरअसल शेफर्ड इलीगली उस जंगल में अपने ग्रुप के साथ रह रहा था, और ऑफिसर्स ने उसे वार्निंग भी दी थी कि अगर वो वहां से नहीं गया तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब कोई चारा ना होने की वजह से शेफर्ड अपनी वाइफ्स को इस बारे में बताते हुए कहता है कि अब हमें यहां से जाना होगा, क्योंकि ये जालिम दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी। शेफर्ड के कहे अनुसार उसकी सभी वाइफ्स और बेटियां अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शेफर्ड के साथ किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। सभी औरतें काफी एक्साइटेड थी, पर दूसरी तरफ सेला भी किसी सोच में डूबी हुई थी। पिछली रात उसने शेफर्ड को उन पुलिस ऑफिसर के साथ बातें करते हुए सुन लिया था, और तब से उसके मन में शेफर्ड के लिए कुछ डाउट्स डेवलप होने लगे थे। इधर कैंपिंग के लिए दूसरी जगह की तलाश जारी थी। दिन में शेफर्ड उसका ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाया करते थे, और रात में रुक कर टेंट में कैंपिंग करते थे। रात को सोते समय सेला को काफी सारे नाइटमेयर्स आया करते थे, जिसमें वो शेफर्ड को एक विलियन की तरह देखा करती थी, पर उसका मानना था कि ये सब उसके पीरियड्स की वजह से है। अगले दिन इसी तरह चलते चलते शेफर्ड को एक पुराना घर दिखता है जिसमें कोई नहीं रहता था, पर शेफर्ड उस घर में रुकने से मना कर देता है। उसका मानना था कि दूसरे के घर में रुकना उसके उसूलों के खिलाफ है, इसलिए वो उस घर के बाहर ही टेंट लगाकर रात में कैंपिंग करने लगता है। उसी रात सेला की बहनों को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है, और वो ये बात शेफर्ड को बता देती है। शेफर्ड का भी समझा बुझाकर सेला को अपने ग्रुप से अलग सारा के पास कुछ दिनों के लिए रहने भेज देता है। बातों बातों में सेला सारा से पूछती है कि अगर तुम्हें शेफर्ड के रूल्स को नहीं मानना है तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। सारा कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं है, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। वो सेला को उसकी माँ की मौत की असली वजह बताते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे जन्म होने से नहीं बल्कि इन्फेक्शन के कारण हुई थी। हम सब उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, पर शेफर्ड के स्टूपिड रूल्स की वजह से उसकी डिलीवरी जंगल में ही करनी पड़ी, जिसके इन्फेक्शन से तुम्हारी माँ की जान चली गई। शेफर्ड बाहर से दिखने में जितना भोला लगता है अंदर से उतना ही बुरा है। मुझे उसके बारे में कुछ बात पता चल गई थी, इसलिए इम्प्योरिटी का बहाना बनाकर उसने मुझे ग्रुप से अलग कर दिया ताकि मैं उसका भांडा ना फोड़ सकूं। सारा की बातें सुनकर शेफर्ड के लिए सेला के मन में जो डाउट्स पैदा हो रही थी वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गई थी। अगले दिन अपने मंजिल की तलाश में भटकते हुए सेला को एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो खुद उस कार में एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बैठी हुई है, इस ग्रुप से दूर एक नॉर्मल लाइफ। उसकी इमेजिनेशन तब भंग होती है जब उसे ग्रुप की एक मेंबर एड्रियल की चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल एड्रियल प्रेग्नेंट थी और लगातार चलते रहने की वजह से उसके पेट में तेज दर्द होना शुरू हो गया था, पर उस टाइम उस जगह पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं था, इसलिए उसकी डिलीवरी वही करनी पड़ी।
और प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपनी वाइफ की मौत से शेफर्ड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो फटाफट से एड्रियल का अंतिम संस्कार करके आगे चलने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो एड्रियल की मौत के लिए शेफर्ड को ब्लेम करने लगता है, पर शेफर्ड के ऊपर सारा की बातों का कोई असर नहीं होता। तब सारा एड्रियल के बच्चे को अपने साथ लेकर ग्रुप से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाती है, क्योंकि एड्रियल ने एक लड़के को जन्म दिया था और शेफर्ड के कल्ट में लड़कों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से उसने उस बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद सारा ने उसे अपना लिया। जाते आते सारा सेला को अपनी बाकी बहनों को शेफर्ड से बचाने के लिए कहती है, क्योंकि ना तो शेफर्ड एक अच्छा इंसान है ना ही कोई भगवान है। इधर लगातार हाइकिंग करने की वजह से सभी औरतें थक जाती है और वो सभी एक जगह पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुकती है। शेफर्ड को लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। तभी ग्रुप में मौजूद उसकी बेटी तमार कहती है कि शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए था। जिसे सुनकर शेफर्ड को लगता है कि उसकी बेटी लीडर बनने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वो वही तमार को मारने लगता है। ये सब सिला भी देख रही होती है, पर कोई भी तमार की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। कुछ दिनों की लगातार हाइकिंग करने के बाद वो सभी लेक के किनारे एक वैली के पास पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सभी वही अपना अगला डेरा जमाएंगे। शेफर्ड एक एक करके सभी औरतों को उस लेक में डुबा के प्योर करता है और रात में सभी डिनर करने के बाद टेंट में सो जाते हैं। उसी वक्त शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है और कहता है कि तुम दिखने में बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो, और उसे प्रोवोक करते हुए उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, पर सेला के प्रोटेस्ट करने की वजह से शेफर्ड वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेला अपनी बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को जान से मारते हुए इमेजिन करने लगती है। वो तुरंत वन बाई वन सभी टेंट में जाती है और अपनी बहनों को शेफर्ड के बारे में सब बताने लगती है। हाइकिंग के दौरान सेला की सभी बहनों ने शेफर्ड की दादागिरी को देखा था, इसलिए उसने सेला की बातों पर यकीन हो जाता है। अगली सुबह जब सेला और उसकी बहनें उठती है, तब वो देखती है कि उन सबकी माएँ वहाँ से गायब है। सभी को चिंता होने लगती है और ढूंढते ढूंढते सभी बहनें लेक के किनारे पहुँचती हैं, जहाँ शेफर्ड अकेला बैठा हुआ था। उसके बगल में उसकी वाइफ्स के कपड़े भी पड़े हुए थे। सेला और उसकी बहनें जब शेफर्ड से अपनी माओ के बारे में पूछती है, तब वो कहता है कि मैंने तुम सबकी माओ को जन्नत में भेज दिया है और अब तुम सब अपनी माओ की जगह लोगी और मेरी बीवी बनोगी, ताकि सही समय आने पर मैं तुम्हें भी जन्नत में भेज सकूँ। मतलब शेफर्ड अब अपनी बेटियों को अपनी वाइफ्स बनाना चाहता था। शेफर्ड सेला को अपनी फेवरेट वाइफ बनाने की घोषणा करता है, पर सेला उसकी बीवी बनने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर शेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो सेला को जोरदार एक थप्पड़ मार देता है। इधर सेला भी अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और शेफर्ड को एक जोरदार चाटा लगा देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शेफर्ड ने ही अपनी सभी वाइफ्स को लेक में डुबाकर मार डाला है। यहाँ सीन कट होती है और हम अगले सीन में दो पुलिस ऑफिसर्स को उस लेक के पास देखते हैं, जिन्हें लेक के किनारे तैर रही काफी सारी औरतों की लाश दिखाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि शेफर्ड की ही बीबियां थी, जिसने उसने बड़ी बहरेमी से लेक में डुबाकर मार डाला था। साथ ही साथ उन्हें जंगल में शेफर्ड की भी लाश मिलती है, जिसे सेला और उसकी बहनों ने मिलकर मार डाला था। इसका मतलब यह था कि सेला ने शेफर्ड को उसके किए की सजा दे दी थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी द अदर लैम की पूरी कहानी। मेरे हिसाब से ये मूवी की क्लाइमैक्स को काइंड ऑफ एब्रप्टली एंड कर दिया गया है। एंडिंग और भी अच्छी हो सकती थी। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।